पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे चेन्नई में रहना था क्योंकि पूर्व में तय था कार्यक्रम। मुख्यमंत्री स्टालिन उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के आयोजन में जहां समाजवादी पार्टी को बुलाया था वहीं और दल वहां पर आए थे, जिसकी वजह से मैं सदन में नहीं रह पाया। और जिस दिन मैं नहीं रह पाया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और नेता सदन ने समाजवाद को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान को बदलना चाहते हैं। ये समाजवाद शब्द तर्क में ये सरकार कह रही कि बाद में आया, लेकिन अगर हम अपने समाज को देखें या हम अपने समाज को समझें तो भारतीय समाज हमेशा समाजवादी समाज के रूप में ही आगे बढ़ा है, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को कैसे साथ लेकर के जाएं, और जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी है कि हमारा जो समाज बने वो समता मूलक समाज बने। डॉक्टर रामन लोहिया ने कहा कि समाज में संपन्न हो और गैर बराबरी खत्म हो, संपन्नता आए। वहीं हमारे नेता सदन का ये कहना कि समाजवाद मृग तृष्णा है और न जाने क्या क्या कहना, जिस भाषण से उन्होंने वो लाइनें निकाली हैं मुझे दुख है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद सीखने के लिए इतने लाइनें ढूंढनी पड़ी, अंग्रेजी को हिंदी में करना पड़ा। हमें भारत के लोगों को याद है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, हमारे न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं, जाने गई हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ चला गया, छिन गया, निछावर कर दिया उन्होंने देश की आज़ादी को और आज़ादी दिलाने के लिए, और ये वही लाइनों को दोहरा रहे हैं। यहाँ पर दुख है इस बात का कि जिन्हें समाज को बराबरी नहीं लाना है, रामराज्य नहीं लाना है। और मैंने कई बार कहा कि जो रामराज्य है वही समाजवाद है। अगर रामराज्य की शुरुआत करनी है तो उसकी प्रस्तावना बिंदु अगर कोई हो सकती है तो वो समाजवाद है। अगर आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, समाजवादी सिद्धांतों पे चले बिना सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है? जो लाइनें इन्होंने चुराई हैं, कम से कम मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए कि दूसरे देश के किसी प्रधानमंत्री ने किस रूप में किन परिस्थितियों में वो कहा, और वो देश कैपिटलिस्ट हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी भी कैपिटलिस्टों की पक्षधर है, इसीलिए इनको वो भाषण चुराना पड़ा। ये पूंजीवादी के बढ़ावा देने वाले लोग हैं। क्या हमने आपने नहीं देखा प्राइवेटाइजेशन कर देना, जो समाज में आखिरी व्यक्ति है उस तक संपन्नता पहुंचे वो नहीं, बल्कि केवल कुछ लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति आ जाए, और गरीबों को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत योजना चला देना, धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह करना, ये रास्ता है। वो समाजवाद के बारे में समझते नहीं हैं, न जानते हैं, न इस बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को ये मानते हैं, ना ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद समझते हैं, और ना ही भगत सिंह जी का समाजवाद समझते हैं। भगत सिंह जी और न जाने कितने क्रांतिकारी वो लोग थे जिन्होंने समाजवादी सिद्धांत को पकड़ा, और उन्होंने कहा कि जो संघर्ष और जो जोखिम उठा रहे हैं या हमारी जो निछावर हम कर रहे हैं इसीलिए कि जो व्यवस्था बने वो समाजवादी व्यवस्था बने, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था से ही देश का भला हो सकता है। ये वो लोग हैं जो घबरा रहे हैं, वो लोग हैं जो सबको बराबर नहीं देखते हैं, ये वो लोग हैं जो हर एक को हक और सम्मान नहीं देना चाहते हैं। जाति जनगणना हो जाएगी तो कम से कम सरकार को ये पता रहेगा कि कौन जाति कितनी पिछड़ी है, किसको कितनी आवश्यकता है। सरकार अपने पॉलिसी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कम से कम वहाँ तक योजना पहुँचाने में कामयाब होगी। आज बहुत सारी जातियाँ हैं जिन तक तमाम योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं। ये जाति जनगणना खुशहाली का रास्ता होगा। जाति जनगणना समाज में जो एक दूसरे के प्रति भारतीय जनता पार्टी समय समय पर भेदभाव पैदा करती है, खाई पैदा करती है, वो खाई खत्म होगी।
उसमें सीधे तौर पर आपको टारगेट किया गया और कहा गया कि हत्याएं करवा रहे हैं संरक्षण देकर। प्रयागराज की घटना की बात चल रही थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, उसमें कहा गया कि हत्याएं नहीं करवाई जाएंगी हमारे राज्य में। देखिए ये सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं, सुरक्षा का माहौल आम जन में पैदा हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ जितने विधायक इस सदन में हैं, अगर किसी ने सुरक्षा दी है तो वो सरकार ने सुरक्षा दी है। जितने भी लोग यहाँ पर सुरक्षा मांगते हैं वो सरकार से सुरक्षा मांगते हैं। अगर जान गई है उन बहादुर सिपाहियों के बारे में जो सरकार कह रही है, वो सरकार की जिम्मेदारी से सुरक्षा देना, सरकार को ये बताना चाहिए कि चूक कैसे हुई, सुरक्षा कर्मियों की जान कैसे चली गई, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके जो साथ सुरक्षा कर्मी चल रहे थे उन्होंने समय समय पर सरकार को क्या रिपोर्ट दी, और जो इंटेलिजेंस फेलियर है जो उनकी वजह से घटना हुई है इसका आरोप विपक्षी पार्टी पर नहीं लगा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो समय समय पर विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम करते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे विधायक हैं जिनकी सुरक्षा कम की इन्होंने, तो आखिर सुरक्षा कौन देता है? सरकार। और हमारा संविधान, हमारा सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि वो सुरक्षा प्रदान करेगी, इसलिए इस सवाल से सरकार भाग नहीं सकती। सदन में क्या झूठ बोला जा रहा है? आपने लिस्ट मांगी, वो लिस्ट अभी तक टेबल नहीं की गई। देखिए सरकार सच्चाई को लेकर के सामने नहीं आना चाहती। पहले तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 46 में 56 हो गए, एक ही जाति के हो गए। अपनी बात को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया, कहा कि इनसे पूछ लीजिए। ये वही मुख्यमंत्री जी तो हैं जो ताड़ना का मीनिंग बता रहे थे शिक्षा। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को शिक्षा लेकर के, ताड़ना लेकर के सही सूची जारी करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आज भी शेष अधिकार हनन के नोटिस में 6 अधिकारियों को दोषी पाया गया है, वो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अश्विनी नेता जी थे, तो वॉकआउट करने के पीछे भाजपा बता रही थी उस समय उनकी सरकार थी इसलिए बहाना। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, समाजवाद हमारे लिए बड़ी बात है। क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे? और आपने तो सदन की कार्रवाई देखी होगी, जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछा कि किस अंग्रेजी स्पीच को मुख्यमंत्री जी ने हिंदी में पढ़ा है, क्या वो बता पाई थी? वो बता पाए थे क्या? क्या संसदीय कार्य मंत्री बता पाए थे क्या? क्योंकि ब्रिटेन की जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने किस बारे में कहा, वो कैपिटलिस्ट के पक्षधर थे, उसलिए उन्होंने कहा था। मार्गरेट थैचर की स्पीच है ये, जो स्पीच है ये मार्गरेट थैचर की है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और ये बताइए मार्गरेट थैचर की स्पीच को हिंदी में लिखकर के लाए, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सोशलिज्म के बारे में क्या शब्द रखते हैं? ये हमारे प्रस्तावना में हम शपथ लेते हैं तो सोशलिज्म हमारे लिए, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान महत्वपूर्ण है, हमारे लिए डॉक्टर रामानुज लोहिया ने रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, भगत सिंह ने जो क्रांतिकारी आज़ादी लड़ाई में जो कहा कि हमारा समाज को कोई दिशा दिखता है दिखा सकता है तो समाजवादी विचारधारा दिखा सकती है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो हमारा समाजवाद का। याद कीजिए जेपी ने यही तो आंदोलन कहा था कि हम संपूर्ण क्रांति की तरफ जा रहे हैं, जिस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और संविधान की धज्जियां उड़ रही थी, डॉक्टर रामानुज लोहिया ने सप्त क्रांति का आह्वान किया। और ये लोग जो क्या भाषा बोल रहे हैं, सोचिए समाजवाद के लिए, इसलिए हमारे लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन करा रहा है? अगर आज सदन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, लेकिन राजनीति के लिए हम जाति में भी हैं, हमें कुछ भी कह दोगे आप, पूजा नहीं करने दोगे, हमारा अगर घर होगा तो उसको गंगाजल से नहलवाओगे आप, हमने तो पूछा था कि शूद्र क्या है, बताएं शूद्र क्या है ये सरकार, अब तो बता दे शूद्र क्या है, इसलिए हमारे लिए ये मुद्दे बड़े हैं, जाति जनगणना हो और सरकार बताए कि इस तरह की भावना क्यों रखती है दूसरे विपक्षी लोगों के लिए। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं रामराज पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। देखिए मैं समाजवाद को सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रयास में रहेगी कि किस तरीके से देश में परिवर्तन हो, नई सरकार देश में बने। और ये जो स्पीच है जरूर पत्रकार साथियों आप भी पढ़ लेना, मार्गरेट थैचर की है स्पीच, What are the lessons that we have learned from the last 30 years? कुछ लेकर के सोशलिज्म को लेकर के उन्होंने कहा है, copy paste. Yes, copy paste. सर,
मोहन भागवत जी ने जो है वो धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा की बात कही है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार को शूद्र वाली भाषा जरूर बतानी चाहिए, शूद्र की परिभाषा जरूर बतानी चाहिए। अब सदन खत्म होने जा रहा है, मैं आपके माध्यम से। और दूसरा, पहले ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चलता है हम लोगों का। दूसरा, आपने भी भाषण सुने होंगे, हम लोगों ने जो सवाल किए थे माननीय मुख्यमंत्री जो सरकार से, गवर्नर स्पीच में जो अभिभाषण में जो सवाल किए थे, और बाद में बजट में जो सवाल किए थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक भी सवाल का जवाब दिया हो तो बता दीजिए आप। ये सरकार वो जो बजट नहीं खर्च कर पा रही है, ये सरकार वो जो हमारे किसानों को धोखा दे रही है, ये सरकार वो जो आज भी सदन में कह रही है, और देखिए कितने कॉन्फिडेंस से सरकार कह रही है कि सबको रोजगार दे दिया। बेरोजगारी दर क्या 4.2%, इसका मतलब ये हुआ कि हर गाँव में रोजगार नौकरी की भरमार है, कोई बेरोजगार गांव में नहीं बैठा। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है, क्या ये सच्चाई है? ये सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है, और सरकार पीछे पीछे हट जाती है जब कभी उससे सवाल पूछा जाए। विशेषाधिकार हनन का क्या नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं आप लोग कि सदन में लगातार झूठ बोला जा रहा है। उसके लिए जो सदन में व्यवस्था है, इस सदन का समय तो मैं समझता हूँ आज ही खत्म हो रहा है, सुनने में आ रहा है, और सरकार नहीं फेस करना चाहती विपक्ष को। जब कभी सदन शुरू होगा 46 में 56, इस पे जरूर सरकार से सवाल और जवाब मांगा जाएगा। पूरा देश जानता है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख लीजिए कि कितने नेता सदन पर मुकदमे थे, और मुकदमे वापस लेने का काम पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद।